पहले तो पेंटा एको आएगा, फिर थायोसाइनिक के साथ एस लगाना, एस लगाओ, यस, क्योंकि एनसीएस भी होता है, एनसीएस होता है थायोसाइनेटो एन, और वैसे उसको आइसोथायोसाइनेटो भी बोलते हैं, लेकिन बेटर है यही आप याद करो, थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन, ज्यादा इजी है। एस सी एन जो पहला होता है ना लीजेंड में, पहला पहला जो होता है लीजेंड का पहला, वही डोनर माना जाता है, जो पहले लिखते हैं एस है तो ये डोनर है। That is why it is thio, aqua, aqua, कितना था? Penta aqua था, पांच aqua था ना इसमें, penta aqua, thio, cyanato S, फिर क्या आएगा? आयरन आएगा या फिर आएगा, जल्दी बोलो, आयरन आयरन आयरन, क्योंकि पहले पार्ट में है तो आयरन आएगा, ब्रैकेट लिखेंगे और बाहर बता सकते हो बाहर क्या है? शाबाश शाबाश, और बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं शाबाश? जैसे जैसे सर, कोई डाइक्लोराइड, डाइक्लोरिडो, हेक्सो, ऑक्सो, नहीं नहीं एक ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया करो, NaClO3 का क्या या KClO3 का क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट, क्या है ये? सो CLO3 क्या चीज है? क्लोरेट है ये, क्या है ये? पोटेशियम क्लोरेट, राइट? KClO4 होता है पोटेशियम पर क्लोरेट, ये क्लोरेट है सिंपली, तो इसलिए इसका नाम आएगा क्लोरेट बाहर से। होल ट्वाइस सिर्फ इसलिए है, होल ट्वाइस इसलिए है कि उसमें वैलेंसी का ये है, वैलेंसी है पूरे कॉम्प्लेक्स की, वैलेंसी जो है वो टू टू है, तो इसलिए वो टू आया बाहर से, राइट? तो ये क्लोरेट हो गया, पोटेशियम क्लोरेट बाहर है तो क्लोरेट आएगा, राइट? अगर CLO4 होता तो पर क्लोरेट लिखते, तो ये याद रखना पड़ेगा, CLO3 इज क्लोरेट। फिर ऑक्सीजन स्टेट निकालो, वही होगा इसका, दो और तीन प्लस थ्री आएगा इधर, अब नेक्स्ट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है इसमें दो कॉम्प्लेक्स है, पहला भी कॉम्प्लेक्स और दूसरा भी कॉम्प्लेक्स, ये पहला कॉम्प्लेक्स दूसरा भी कॉम्प्लेक्स, जरा बताओ, पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, राइट? ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, सर हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्साइनेडो कोबाल्टेट थर्ड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हेक्साएमाइन, ये यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट में है तो क्रोमियम आएगा, थर्ड तो चलो बाद में निकालेंगे, वो ब्रैकेट लिखूंगा, फिर नेगेटिव पार्ट वाले का छह साइनिडो है, इट इज हेक्साइनिडो, साइनिडो, फिर क्या आएगा इधर से, क्योंकि नेगेटिव वाले पार्ट में सीओ है तो कोबाल्टेट, फिर आएगा ब्रैकेट, कोबाल्टेट और ब्रैकेट, याद रहे। तो फिर देखो बेटा, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं, इसमें भी छह है लिजेंड, इसमें भी छह है लिजेंड, दोनों में बराबर बराबर है, सो दोनों का ऑक्सीजन स्टेट बराबर होगा, एक्स और एक्स लिखो दोनों के ऊपर, ये जीरो है, ये माइनस वन है, ऐड कर लो सबको, क्या आएगा? एक्स प्लस जीरो प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल जीरो, सो टू एक्स इज इक्वल सिक्स, एक्स इज इक्वल थ्री, सो तीन प्लस थ्री, इसमें भी प्लस थ्री, इसमें भी प्लस थ्री, ऑक्सीजन स्टेट, राइट? अब नेक्स्ट नेक्स्ट है सी आर एन टू, सी एल टू सी एल, देखो बेटा मैंने पहले इसमें दो है, क्या क्या लिजेंड इसमें जरा बताइए, लिजेंड क्या क्या इसमें है शाबाश? एक है ये, इसको हम इथिलीन डायमीन बोलते हैं या इथेन वन टू डायमाइन बोलते हैं? इथेन वन टू डायमाइन, यस, होगा एक, और सीएल जो है इसको बोलते हैं क्लोरिडो, राइट? तो जरा कर लो इसका नाम, हम दे दो शाबाश, खुद ही कर लो, डाइक्लोरिडो बिस इथेन वन टू डायमीन क्रोमियम थ्री क्लोराइड,
बहुत अच्छा, डाइक्लोरिडो पहले आएगा, डाइक्लोरिडो क्योंकि दो सीएल है, सी पहले आएगा ई बाद में आएगा। फिर क्या होता है इसमें, जब ऐसा कॉम्प्लेक्स है, सपोज मैं यहां पर लिखूंगा डाइक्लोरिडो, फिर मैं बिस लिख रहा हूं, बिस इसलिए क्योंकि जब भी क्योंकि इस वाले इथेन में ऑलरेडी डाइवर्ड है ना, यहाँ पर डाइवर्ड, इसलिए क्योंकि डाइवर्ड ऑलरेडी है तो डाई नहीं लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया व्हेन डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेम ऑफ द लीजेंड, देन वी यूज बिस फॉर टू, ट्रिस फॉर थ्री, टेट्रा किस फॉर फोर। तो बिस यहाँ से आएगा इथेन वन टू डायमाइन, इथेन वन टू डायमाइन, मगर याद रहे यहाँ का एमाइन एक ही एम, 2M नहीं, बिकॉज ये NH2 वाला होता है, EN में NH2 होता है दोनों साइड से। EN का स्ट्रक्चर अगर की बात करें, इट इज NH2 CH2 CH2 NH2, अमोनिया में NH3 होता है, वहां पर डबल M, यहाँ पर सिंगल M आता है। इथेन वन टू डायमाइन हो गया, ये बिस भी आ गया, फिर क्रोमियम क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में है, क्रोमियम ब्रैकेट और बाहर से क्लोराइड, राइट फिर देख लो ये एक्स है, ये न्यूट्रल है, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, क्योंकि दो है तो ये माइनस टू एंड माइनस वन हो गया माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, एक्स इक्वल प्लस थ्री, राइट। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। क्लोरिडो पहले, इथेन में क्योंकि ऑलरेडी डाइवर्ड है इसलिए आप बिस लिखते हैं, बिस बाहर लिखते हैं, यहाँ पर बाहर लिखा मैंने बिस, इसको ब्रैकेट में लिखा, इथेन वन टू डायमाइन, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स लिगेंड इज रिटन ब्रैकेट स्मॉल पैरेंथेसिस, देन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। जरा लास्ट दो कर लो खुद ही, शाबाश। एक कर लो के थ्री CO OX3 K AUBR2, फटाफट लिख लो इनका नाम, अभी बोलना नहीं, मैं दो मिनट बाद बोल। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलिए। शाबाश, पहले का क्या आएगा? पोटेशियम, बता आप क्या नाम आएगा? शाबाश, कोबाल्टेट। नहीं वो तो बाद में, कोबाल्टेट तो आएगा ही आएगा, इसका OX, नाम दे दो। OX का होगा, OX होता है ऑक्सलेटो, ट्राई बहुत अच्छा, मगर ये अलग लिखेंगे, पोटेशियम अलग, ट्राई ऑक्सलेटो बहुत अच्छा, और कोबाल्टेट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। OX होता है कोबाल्ट ऑक्सलेटो, आप कॉपी पर देख लो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट के बाद, कोबाल्टेट के बाद, देखो इसका प्लस वन, पोटेशियम का प्लस वन, कोबाल्ट का निकालना एक्स, और ऑक्सलेट होता है माइनस टू। ऑक्सलेट होता बेसिकली क्या चीज, ऑक्सलेट अगर हम देखें, मैं ऑक्सलेट दिखाता हूं आपको, ऑक्सलेट होता है ऑक्सैलिक एसिड से निकला हुआ है ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट माइनस टू होता है इसका, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसके बदले ऐसे लिख सकते सी टू ओ फोर टू नेगेटिव, या शॉर्टकट में मैंने लिखा है ओ एक्स टू नेगेटिव, ये ऑक्सलेट होता है, तभी मैंने माइनस टू लिखा। कर लो ऐड, थ्री इंटू प्लस क्या हो गया प्लस थ्री, प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल जीरो, सो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल जीरो, एक्स इक्वल प्लस थ्री, तो तीन आएगा इसका ऑक्सलेट, राइट? ठीक है, ठीक है, ये बोला ये कभी बिजी
और लास्ट वन जो है के ए यू बी आर टू, बता इसका नाम जल्दी। शाबाश, पोटेशियम ड्राइब्रोमिडो ओरेट, राइट, इट इज पोटेशियम डाई ब्रोमिडो, बहुत अच्छा, डाई ब्रोमिडो ओरेट और वन ओरेट, ए यू आर ए टी ओरेट और ब्रैकेट में वन, बिल्कुल सही, पोटेशियम डाई ब्रोमिडो, क्योंकि इसका प्लस वन एक्स, इसका माइनस वन, एड करेंगे प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू इसको जीरो, एक्स आएगा प्लस, राइट। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर, नो सर। जरा आप इसके बाद एक मिनट बेटा, मैं फोन अटेंड करता हूँ, एक मिनट। That means जरा आप इसको इसका बता दीजिए आप, सी आर इसका नाम जल्दी, शाबाश जल्दी बोलो, ये एम आई ने सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है प्लस में, हाँ वही तो वही है इसमें मेन चीज, तो पहले क्या लिखोगे, टेट्रामाइन, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो क्रोमियम, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में थर्ड आ रहा है, चलो आपने देख लिया ये, और बाहर आयन लिखना है क्योंकि चार्ज है ना, तो इसको कहते हैं आयन बाहर, राइट, टेट्राएमाइन डाइक्लोरिडो क्रोमियम, फिर आयन है ये, क्योंकि इसकी नेट चार्ज पॉजिटिव वन है, ये कोई काउंटर आयन नहीं है, बाहर सी एल बी आर नहीं है, तो एक्स है ये, जीरो है, माइनस वन है, कर लो इसमें चार्ज, एक्स प्लस जीरो माइनस टू इज इक्वल प्लस वन, यहाँ पर ये नेट चार्ज के बराबर है इनका सब, पहले क्या होता था न्यूट्रल कंपाउंड जीरो के बराबर लेते थे, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस जीरो माइनस वन इज इक्वल प्लस वन माइनस टू, सॉरी एक का माइनस वन है, दो का माइनस टू हो गया, तो एक्स इज इक्वल प्लस थ्री, इसलिए प्लस थ्री यहाँ पर आएगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो इसको आयन जरूरी लिखना है। आप बताओ कोई डाउट अभी तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में? सर जो हमने एट्थ क्वेश्चन किया ना सर, उसमें हमने क्रोमियम और कोबाल्ट का एक्स लिया, सर अगर वहां पे वो मतलब लिजेंड का स्कीम नहीं होता फिर क्या करते? एक मिनट रुको,
देखो लिख लो एक और, सपोज ऐसे हैं CrNH3 whole 6, ठीक है ना, इधर से लिख रहा हूं मैं जिंक Cl4, ठीक है, ऐसे होएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें यहां पर 4 है, इसमें 6 है, तो इसमें सेम नहीं हो सकता है ऑक्सीजन स्टेट। तो इस ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करना है, बेसिकली 2 और 3 का मतलब क्या है, ये 3 जो है, जो ये 3 है, ये इसका +3 था तभी ये नीचे आया, क्रिस क्रॉस हुआ नीचे, और ये 2 इसका है, ये -2 है इधर, तो असल में ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स है ऐसे। इस वक्त जब ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो इसका अलग से निकालेंगे, इसका एक्स, इसका एक्स है, इसका जीरो है, तो x प्लस जीरो इज इक्वल +3, तो x निकला क्रोमियम का +3। दूसरे वाले में क्या निकालेंगे, ओ सॉरी, दूसरा जो है ये वाला, जो Cl वाला है, ये वाला, इसका क्या आएगा, Cl गार्डन Cl4 2 नेगेटिव का, इसमें x लिखेंगे, इसमें -1 लिखेंगे, इसमें आएगा x -4 इज इक्वल -2, x इज इक्वल +2, तो अलग अलग निकालेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स, जहां नीचे लिखा होगा ना, इसका मतलब है दोनों का अलग अलग है, तो अपने अपने कॉम्प्लेक्स का अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि 3 इसका है, ये 2 जो ये 2 है ये इसका है, समझ आया ये, तो ये ऐसे, तो अगर नीचे कुछ नहीं है तो फिर कोई ये नहीं है आप निकाल सकते, फिर तो एक्स एक्स दोनों का लेना ही पड़ेगा, फिर आपको पता नहीं ना क्या क्या चार्ज होगा। और पूछो कुछ भी क्वेश्चन, शाबाश, जल्दी करो, एनी डाउट है इन दिस चैप्टर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, शाबाश। अगर किसी को और डाउट है ना, डाउट फॉर मोर डाउट्स, अगर कोई डाउट्स है, तो मुझे लग रहा है आज शारदा पीठ वालों ने क्लास भी रखी है, ठीक है, आप रोहित जी को कांटेक्ट कर लीजिए और टाइम वो बताएगा, बिकॉज इवनिंग में एक क्लास होगी, फिर आज डाउट क्लास, फिजिकल क्लास, अगर कोई कोई आ सकता है, मगर रिस्क है, इसका ध्यान रखना है। उन्होंने पहले क्या बता देते, वहाँ हमने ग्रुप में डाला है ना, जिसको प्रॉब्लम है तो कॉन्टेक्ट कर लो उसको, तो जी जिसको डाउट है उन्होंने फोन किया है, तो उन्होंने उसका ग्रुप बना दिया है, जी जिसको उनको इन्फॉर्म किया है, आपने नहीं किया होगा ना इन्फॉर्म, फिर सर हमने बोला था रोहित भैया को कि डाउट क्लास रखा हो केमिस्ट्री की, उन्होंने बोला बताएंगे नेक्स्ट वीक बोलेंगे, आज बोला ही नहीं उन्होंने, क्योंकि आज उन्होंने शायद 10 बच्चों का किया हो सिलेक्ट, मुझे लग रहा है, तो आपको फिर अगले में कर देंगे, तब भी आप उसको इन्फॉर्म कर लीजिए आज, ठीक है ना, उनको बोलो मेरा डाउट क्लास रख लो, हो सकता है कम होंगे तो आपको एडजस्ट कर देगा 5 बजे, फिर 5:30 होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मुझे उन्होंने बोला 5 बजे आने के लिए, मुझे ये भी पता नहीं है पहले 11th है 12th है कौन है क्या है, लेकिन मैं आ जाऊंगा 5, ठीक है ना, तो आप उनसे बात कर लो, उसकी कोई चिंता नहीं, मैं कल फिर दोबारा ले लूंगा दूसरे बच्चों के लिए, लेकिन आप इन्फॉर्म कर लो, मुझे करो, उसको कर लो, उसको लिख लो उधर व्हाट्सएप पर, हमें प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, या चैप्टर नाम नहीं बताना है, सिर्फ हमें प्रॉब्लम है, तो आप आ सकते हो, उसकी कोई चिंता नहीं है, राइट, ओके सर, ओके सर, सर ये जो भी हमने एग्जांपल ली थी ना, ये वाली डिफरेंट वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसमें सर वो जैसे प्लस थ्री है, तो हमें बाहर आयन लिखना है, ना 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 ना, वो सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए, नाम तो एज यूजुअल लिखना है ना, नाम से कोई मतलब नहीं है इस चीज का, तो बाहर 2 और 3 को हम कंसर्न नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, वो तो थोड़े, वो तो है ना, Cl2 होता तो तब भी क्लोराइड ही लिखते, Cl3 होता तब भी क्लोराइड, तो इसको 3-2 से कोई मतलब नहीं होता है, चार्ज है, राइट, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैंने कहा, बाकी तो नाम तो भाई जैसे ये है, ये कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था, सपोज ये मैंने कहा था अभी Zn Cl4 3, ठीक है ना, तो नाम तो इसका पहले दे देंगे एज यूजुअल, हेक्सामाइन क्रोमियम, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट, ब्रैकेट,
अब ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका प्लस थ्री लेके करेंगे अलग से, इसका माइनस टू लेके अलग से करेंगे, राइट? तो फिर बाद में नाम है तो कोई चिंता नहीं, नाम तो बिल्कुल एज यूजुअल होगा, नाम में कोई फर्क नहीं। बताओ ये हो गया नॉमनक्लेचर, सिंपल नॉमनक्लेचर। अभी इससे ज्यादा और करना आइसोमेरिज्म में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आज 4 बजे ना क्वेश्चंस डालूंगा आपके टाइम पर नॉमनक्लेचर के, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? आज वही असाइनमेंट होगा, वही आप करेंगे, ठीक है? कोशिश करूंगा अगर रिकॉर्ड हुआ होगा थोड़ा बहुत ये डालूंगा भी, अगर जिस बच्चे ने नहीं किया है अटेंड वो भी कर सकता है। लाइट गई, नहीं तो सारा रिकॉर्ड हो जाता है ये। चलो थैंक यू बेटा। सर एक उसमें से भी डाउट था। हाँ पूछो। सर एक ये रेट ऑफ रेट से डाउट था। बोलो। सर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन एक्सप्रेशन दी हुई है के ए इनटू बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। फिर वहां बोले कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। ये अच्छा। हां तो फिर द रिएक्शन रेट relating to original rate will be ye ye likha hai ye ye reaction ki hogi unhe yes sir power kuch bhi nahi nahi sir aap batao ye first order with respect to a first order with respect to b aap bolo kya hai fir sir aage bole ki if the volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/4 of the initial volume shabash reduced to 1/4 ka matlab ho gaya 4 times molar concentration badhegi na वॉल्यूम जब कम करते हैं तो मोलैरिटी बढ़ती है ना यस सर हेलो यस सर 4 टाइम्स रेट बढ़ेगी ना सीधी सी बात है फिर हमें रिएक्शन रेट बतानी है रिलेटिंग टू ओरिजिनल रेट ओरिजिनल रेट में क्या होगा ठीक है ना देखो अगर मैं ओरिजिनल कंसंट्रेशन ए का 1 मानूं बी का 1 मानूं राइट यस सर समझ आ रहा है ना आप बता रेट किसके बराबर आया के बराबर सिंपल के इनटू 1 के अब मुझे वॉल्यूम किया 1/4 तो इसका कंसंट्रेशन जो है ये 4 टाइम्स बढ़ गई ए की भी और बी की भी यस सर तो रेट क्या बनेगा के तो के ही है 4 टाइम्स इसका 1 के बदले 4 इसका भी 4 तो क्या होगा 16 यस समझ आ रहा है ये यस सर तो 16 टाइम्स बढ़ेगी ना रेट फिर यस सर यही है और यस सर यही है 16 क्योंकि वॉल्यूम कम करते हैं ना वॉल्यूम कम करेंगे मोलैरिटी बढ़ेगी वॉल्यूम क्या हाफ मोलैरिटी होगी डबल वॉल्यूम क्या 1/4 मोलैरिटी होगी 4 टाइम्स सिंपल है यस सर सर एक और क्वेश्चन है इन द डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन फिर रिएक्शन दी हुई है 2O3 3O2 के बराबर हां 3O2 ठीक है फिर हमें निकालना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 एंड विद रिस्पेक्ट टू O2 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 एंड विद रिस्पेक्ट टू O2 ना विद रिस्पेक्ट O2 कैसे ऑर्डर निकल जाएगा यही क्वेश्चन दे हो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 तो हम चलो कर सकते हैं मान सकते हैं इफ इज तुम अब पता नहीं ना ये सिंगल स्टेप रिएक्शन उसने दी है या ये सिंगल स्टेप नहीं होती देखो ये ऐसी होती है जैसे ये पता है सिंगल स्टेप है तो इसका ऑर्डर फिर नेचुरली O प्लस दूसरा स्टेप है ना फिर O3 प्लस O गिव्स 2 टाइम्स O2 ये है स्लो स्टेप ये फास्ट स्टेप ठीक है यस तो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है ये यस सर इट्स द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट O3 वो गलती से उन्होंने लिखा है O2 O2 से कोई मतलब नहीं है इसका प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं ठीक है इट्स द फर्स्ट ऑर्डर इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये पता होना चाहिए मगर डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन इज टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स तभी आ सकता है नहीं तो नहीं आएगा यस ये इसका मैकेनिज्म है हां ठीक है ठीक ठीक सर और किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा जल्दी बोलो टाइम हो गया चलो ओके दैट इज ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस यू बेटा थैंक यू सर ओके बेटा सर एक चीज लास्ट पूछनी थी पूछो जी
सर जैसे हमें कोई भी रिएक्शन दी हुई है, हमें तो डायरेक्ट रिएक्शन दे दी गई होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब ये वो स्लो स्टेप हमें इसमें निकालना है? और ये मतलब अगर मैं... जो रिएक्शन हमने लिखी है ना उतनी ही आएंगी, उससे ज्यादा नहीं आएंगी. दीज आर कॉमन रिएक्शन. यू हैव टू रिमेम्बर दो पांच छह रिएक्शन जो हमने दी है. डिकम्पोजन H2O2 फर्स्ट ऑर्डर, डिकम्पोजन ओजोन फर्स्ट ऑर्डर, डिकम्पोजन N2O5 फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन H2+I2 सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन H2+Cl2 जीरो ऑर्डर, रिएक्शन H2+Br2 फ्रैक्शनल ऑर्डर. याद करो ट्वाइस NO2+F2 इट इज अ सेकंड ऑर्डर. जो मैंने रिएक्शन उससे ज्यादा नहीं आएगा. अगर आएगा भी तब हिंट जरूर होगा, वहां पर कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा. ऐसे नहीं कि कोई भी रिएक्शन आ जाए आपको कैसे पता चलेगा, आप तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते. राइट? यस. थैंक यू. थैंक यू सर.